यार मन खत्म होने आया यहाँ। तेलुगु साहब हमारे कुछ चावल तो सब हमारे को साथी करे हैं, ये लॉकडाउन के रमजान के हफ्ते गए साल भी दिए थे साहब हमारे को, ये बार फोन करके बुला के हाथ दिए बड़े रोजे वाले दस जने को दिए साहब। अब बुलबुल को अल्लाह नाराज करो, उनको अल्लाह उमर कितने अजगर बुलबुल साहब को अल्लाह उमर दराज करो, अल्लाह उनको खैर खूबी से रहो, अल्लाह उनके घर में खैर व बरकत दो, अल्लाह उनके आल औलाद की कमे में बरकत दो, और दीदी अल्लाह इससे ज़्यादा देने की उनको तरक्की करो, अल्लाह उनको इस साल भी दिए, हाँ इस साल भी दिए और इससे ज़्यादा देने की तरक्की करो अल्लाह। ये है अबू बकर कानूनी, यहाँ कोरोना के पेचीदा हालात के पेश नज़र जनाब मोहतरम अलहाज अज़गर चुलबुल साहब और दीगर उनके मुआविनीन लोगों में कुछ पैकेट तकसीम कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें जज़ा खैर अता फरमाए और दूसरों के लिए एक नमूना है ताकि सभी मुसलमान आपस में मिलजुल कर गैर मुस्लिम अभी भी तकसीम कर सकते हैं, उसको तकसीम करना चाहिए ताकि जो है ना सबकी ज़रूरतों को अल्लाह ताला पूरी फरमा दे। जनाब अज़गर चुलबुल साहब और इस मामले में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको और तरक्की अता फरमाए और उनको अजर अजीम अता फरमाए। गुज़िश्ता साल भी उन्होंने ये काम किया था, इस साल भी कोरोना के हालात के पेश नज़र इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। चलो सब साया करे हमारे को, सब तो चावल सावर जेवर सब दे हमारे को, अच्छा करे हमारे को, गरीब लोगों को दाना दे हमारे को, धन्यवाद। चलो साहब हम लोग को खाने के लिए चावल नहीं था, चावल दिया साहब को, धन्यवाद। अगर यहाँ ब्लॉग देते जाओ जी, तुम भी आओ ब्लॉग देते जाओ। बाटे जी सबको बाट ले जा रहे हैं भी। देखो ऐसा।
एक दो मिनट बैठे, बैठ दो मिनट, दो मिनट ले ले ले, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम साइन मोहम्मद इस्माइल मुदस्सिर बात कर रहा हूँ। डॉक्टर असगर साहब चुलबुल जो गरीब आवाम में रिक्शे वाले टांगे वाले और गरीब जो मुस्तैक अफराद में जो आपने राशन के किट्स और चावल तकसीम किए हैं ये उनका जो है ना कारनामा है और ये इनकी सामाजिक खिदमत है। जैसा कि शेर में है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अरश बनी पर। और मुसलमान के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मुसलमान जो है ना, यानी कुंतुम खैर उम्मतिन उखरज लिन्नास, यानी मुसलमानों को इसी वास्ते दुनिया में लाया गया है कि लोगों के फ़ायदे के लिए। तो इसके मिज़दाक में हमारे असगर साहब चुलबुल जो है ना हमेशा लोगों की भलाई में उनके काम आते रहते हैं। अल्लाह ताला उनके इस जो है ना आमाल को कबूल फरमा रमज़ान की बरकत से और आइंदा भी इस तरह के काम करने की तौफीक अता फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। मेरा नाम मौलाना कासिम जुनेदी, इमाम ख़तीब मस्जिद रहमानिया, सदर रहनुमा फाउंडेशन गुलबर्गा। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के मौके पर डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल साहब साबिका कूड़ा चेयरमैन ने अवामुन्नास की खिदमत में रोज़ाना राशन किट सब तकसीम कर रहे थे गुरबा के लिए, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने उनसे मुलाकात किया, उनके रबते में रहा और जाकर मैंने कहा कि मुबारकबाद दी और कहा कि अल्लाह आपको और मज़ीद खिदमत ले। उसके बाद मैंने कहा कि आप ये काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो अइम्मा मुअज़्ज़िनीन हैं मस्जिद के इमाम और मुअज़्ज़िनीन, और ख़ुसूसन आप देखते हैं कि एक साल से लॉकडाउन हो रहा है, उस मौके पर मैंने उनसे उलमा और मुअज़्ज़िनीन से दरख्वास्त करके कहा कि जो हुफ्फाज मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, अज़ान देते हैं, आप इनकी भी कुछ रहनुमाई करिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात पर डॉक्टर असगर चुलबुल साहब ने लब्बैक कहा और कहा कि मौलाना ठीक है, आप 40 से 50 हुफ्फाज की मैं आपको ज़िम्मेदारी देता हूं। और मैंने तमाम से फ़ोन पर रबता कहकर मैंने उस दिन रात में उनके मकान पर जाकर मैंने ख़ुद अपने हाथ से तकसीम किया। और एमएसके मिल के हुफ्फाज, महबूब नगर के हुफ्फाज, जो अइम्मा मुअज़्ज़िनीन जो स्कूल में खिदमत देते थे, और वो तमाम हुफ्फाज ने किट ले जाकर उनके घर वालों ने डॉक्टर असगर चुलबुल साहब को दुआएं दी और मैंने भी कहा कि अल्लाह आपको इसका अजर ज़रूर देगा। और तमाम हुफ्फाज अइम्मा डॉक्टर असगर चुलबुल साहब के हक़ में दुआ की कि अल्लाह आपके इस काम को अजर अता फरमाए और मज़ीद आपको दीन का काम ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को और शहरियाने गुलबर्गा के मुसलमानों को मैं अलविदा का जुमा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा मकसद इधर आने का मीडिया पर यह है कि जनाब डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल साहब ने कल ही तकरीबन 50 से 60 उलमा को, हुफ्फाज़ इकराम को राशन किट तकसीम किया और मुसलसल उन्होंने 10 रोज़े से गरीब फुकरा मिस्कीन और कई लोगों को आपने राशन किट तकसीम सिलसिला जारी था और अब तक जारी है, अभी भी आपने किट तकसीम कर रहे हैं। लेकिन कल अल्हम्दुलिल्लाह 60 उलमा इकराम हुफ्फाज़ इकराम को आपने राशन किट तकसीम किया। मैं और इनको देखकर कई गुलबर्गा में ऐसे बड़े बड़े मालदार लोग हैं जो हालत आप देखते हैं कि मुल्क की हालात किस दौर से गुज़र रही है और शहर कर्नाटक, शहर गुलबर्गा और कर्नाटक की भी हालत कुछ दिनों से किस दौर से गुज़र रहे हैं। और अभी कुछ दो तीन दिन में भी
ऐसे लॉकडाउन होने वाला है जो आसार नज़र आ रहे, मैं इसी तरह दीगर और जो लोग भी काम कर रहे हैं, मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इसी तरह लोगों की खिदमत करने की तौफीक व इनको रफ़ीक अता फरमाए और ऐसे ही इनके काम को जारी व सारी रखे और इसी काम को अल्लाह पाक आप अल्लाह पाक अपनी बारगाह में इनके काम को कबूल व मकबूल फरमाए। चलो निकलो पास से, तीन ले रहा तुम हो, अरे तीन चार तेरे घर में है नहीं ये किसका टाइम हल जाओ ना पहले औरता के हाथ में तो बच्चे का हाथ में तुम यहाँ है जी यहाँ है तुम एक छोटो देते देते ठहरा तो देखो मैं खाता देता रहा तुम जा देते तुम्हारे तुम देख जाओ हमारे को फटे तो मेरे हाथ में डालना मुल्तान से ठहरो मैं जाता अरे आज दूर दूर ठहरो भी आता खरीद करे मेरे को ठहरो खाते जाओ जितने मो उधर आओ उधर इधर से जाओ मुल्तान इधर से जाओ इधर से बुलाओ इधर से हाँ इधर से मैं देता मैं देने लगा तुम्हें हैं मैं देने लगा तुम्हें कलर चलो अंडा कर दो करो बोले सर बात हूँ कौन जा रहे अंदर उधर बाहर बुला उनको एक जा रहे अंदर वहाँ जाओ अंदर अंदर जाओ तुम्हें खाको एक दिन के बाद खाको चौथे खाको।